वो पांच कारण जो बताते हैं रविवार शास्त्री ही बनेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। टीम इंडिया के अगले का कोच का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। भारतीय टीम के कोच पद के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आए थे, मगर कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल ने 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें 3 भारतीय तो 3 विदेशी उम्मीदवार हैं। मुंबई में इंटरव्यू जारी है। वेस्टइंडीज दौरे पर गए वर्तमान कोच रविवार शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे। शास्त्री के अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी, वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर फिल सिमंस, टीम इंडिया के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत और टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच रॉबिन सिंह इस दौड़ में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रविवार शास्त्री का चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से 5 कारण हैं जिसके बूते रविवार शास्त्री इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। विराट की पहली पसंद। कप्तान विराट कोहली के सार्वजनिक समर्थन के बाद अगर शास्त्री को 2021 में भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए दोबारा जिम्मेदारी मिलती है तो अधिक हैरानी नहीं होगी। वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले कोहली ने मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि CAC क्रिकेट सलाहकार समिति ने इस मुद्दे पर अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया है। रविवार भाई के साथ हम सब का तालमेल काफी अच्छा है और इससे अगर वे कोच बने रहते हैं हम सब काफी खुश होंगे, भारतीय कप्तान ने कहा। मौजूदा कोच रविवार शास्त्री की सराहना करते हुए उन्हें दोबारा कोच के पद पर देखने की इच्छा जताई थी। रविवार शास्त्री का परफॉर्मेंस। शास्त्री का 2017 में भारतीय टीम से मुख्य कोच के रूप में जुड़ने के बाद से रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इस दौरान पिछले साल भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। शास्त्री के मार्गदर्शन में जुलाई 2017 से भारत ने 21 टेस्ट में से 13 में जीत दर्ज की। T20 अंतर्राष्ट्रीय में तो प्रदर्शन और भी बेहतर रहा, जहां भारत ने 36 में से 25 मैचों में जीत दर्ज की। एक दिवसीय में भी भारतीय टीम 60 में से 43 मुकाबले जीत कर हावी रही। टीम हालांकि विश्व कप 2019 में उनके मार्गदर्शन में सेमीफाइनल से आगे बढ़ने में नाकाम रही। कैरेबियाई सरजमीं पर हालांकि T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का दबदबा दर्शाता है कि टीम इंडिया अधिकांश चीजें सही कर रही है। 6 नामों में सबसे भारी शास्त्री क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल CAC में कपिल देव के अलावा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर अंशुमान गायकवाड़ और महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शांतरंगा स्वामी शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड विदेशी कोच के पक्ष में नहीं है। ऐसे में रविवार शास्त्री का पिछला कार्यकाल और अनुभव उनके दोनों भारतीय प्रतिद्वंद्वी रॉबिन सिंह और लालचंद राजपूत पर भारी पड़ता है। लालचंद 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2008 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर CB सीरीज जीतने वाली टीम के मैनेजर थे। उन्होंने कोचिंग करियर की शुरुआत अंडर 19 से की। 2007 में इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का कोच बनाया गया था। पिछले साल उन्होंने जिम्बाब्वे के कोच पद की जिम्मेदारी संभाली थी। दूसरी ओर रॉबिन सिंह टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच थे। वे 2007-09 में टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने। इसके बाद 2008 में ही इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पहले सीजन में डेकन चार्जर्स के कोच नियुक्त हुए। उन्हें 2010 में मुंबई इंडियंस ने 3 साल के लिए कोच बनाया। उनके रहते हुए टीम 2010 में उपविजेता बनी।